प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफर में शाहिद मियां एशियन ट्रेड टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं ऐसे कि मैं उनकी शख्सियत के मुताबिक उनका तारुफ करा सकूं। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत सारा काम और नाम पैदा किया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जबानी। मेरे साथ मौजूद है CEO बर्जर पेंट्स अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। आइए जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू वेरी मच। एंड ये जो नाम आपने लिया है ख्वाबों से ताबीर तक, बड़ा मोटिवेशनल आपने नाम उसका बड़ा पावरफुल नेम है। आई मीन रेडी। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एंड लिटिल करेक्शन दैट आई एम वर्किंग एज CFO फॉर बर्जर पेंट्स पाकिस्तान एंड आई एम CEO फॉर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। वी हैव अ फार्मा डिवीजन और मैं उसका CEO हूं। मैंने रिसेंटली एक्वायर की है फार्मास्यूटिकल कंपनी। बिफोर वी स्टार्ट एंड डिस्कस समथिंग, लेट मी गिव यू लिटिल Intro about the Bajaj Paints company in Pakistan. Bajaj Paints registered in Pakistan in 1950. So it's the oldest company in Pakistan. That was the first paint company in Pakistan. और उस वक्त अभी भी पाकिस्तान में there are only three listed companies in Pakistan. Bajaj Paints, Baxley Paints, which is an associated company, and Aksanobel. The stock exchange listed paint company में only there are three major companies. और दो हमारे हैं, एक बक्सले है बर्जर पेंट्स। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ बर्जर पेंट्स, अप्स एंड डाउन्स एंड ग्रोथ ट्रेंड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, बट व्हिच इज वन सिग्निफिकेंट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट अकर्ड इन 2008। वी वर कराची बेस्ड कंपनी, कराची में प्लांट था। वी हैड अ ह्यूज काइंड ऑफ वर्टिकल ग्रोथ, काफ़ी एक्सपेंशन हुई। 2002-2008 वी सॉ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ पैटर्न। एक्सीडेंट हुआ कि फायर अकर हुई, दैट फायर टोटली बर्नड आउट द होल प्लांट। सो टोटली प्लांट, ये फायर इस किस्म की होती है, बड़ा कंबेस्टिबल मटीरियल हम यूज़ कर रहे होते हैं, पेट्रोल्स होते हैं, स्प्रिट होती है। ये इज जस्ट इन 30 seconds इफ यू कुड कंट्रोल द फायर दैट्स फाइन, अदरवाइज इट विल यू नो अनकंट्रोलेबल। तो आर यू नो क्लेम वॉज दैट देर इज नो अलहमदिल्ला नो कैजुअल्टी, कोई ह्यूमन लॉस नहीं था। एंड वी वर वेरी डिटरमिन्ड 2008 दैट वी विल बिल्ड दिस फैक्ट्री अगेन। एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द पीपल एम्प्लॉइज एंड स्पॉन्सर वॉज के इट्स अ ह्यूज लॉस नॉट आवर प्रोडक्ट, बट दे वर एक्साइटेड एंड यू नो फुल मोटिवेटेड टू बिल्ड इट अगेन। एंड मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की हिस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा वाकया था कि एक फैक्ट्री जो है वो कि ख़त्म हो जाए बिल्कुल, वर्ल्ड को एशिज हो, उसके बाद वो किसी नई जगह पे जाके दोबारा उसको कंटिन्यू करें और विद इन द सेम पीरियड दे कंटिन्यू। तो आर लक दैट एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, वी हैड अ स्मॉल फैसिलिटी इन लाहौर। तो हमने फिर इमीडिएटली वी मूव फ्रॉम कराची टू लाहौर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे डिफिकल्ट टाइम में सारे स्टाफ का यू नो शिफ्टिंग टू लाहौर, उनकी सेटलमेंट, उनको हार्डशिप अलाउंसेज एंड हाउस रेंट्स, और यहाँ आके फिर मशीनरी यू नो एवरीथिंग यू नो फ्रॉम स्क्रैचेस टू रनिंग ए फैक्ट्री हमने दोबारा से किया 2008-09-10 पीरियड। तो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई जॉइन द कंपनी एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम हु ट्रांसफॉर्म्ड दैट रॉइन फ्रॉम यू नो एशेज टू देन building a new plant and running the new plant. So I was a part of that process and that was very, very learning process. A difficult time mein, how to get the motivation to work and to feel that you will convert it. And I got the inspiration from Dr. Mahmood Ahmed, who is our CEO at that time, he joined us. He was so determined and he was so sure. And you imagine ki humne 2009 mein फायर के बाद भी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, थ्रू आउट द यू नो पीरियड हमने इंक्रीमेंट्स दी हैं, प्रमोशन दी हैं, न्यू कार्ड्स दी हैं, जो एज पर कंपनी पॉलिसी वट एवर वॉज एंटाइटल्ड एन एम्प्लॉई वी प्रोवाइडेड दैट, बट इन एडिशन टू दैट हार्डशिप अलाउंसेज, हाउस रेंट्स, ये भी एम्प्लॉयज को दी हैं। सो फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी ह्यूमन वैल्यू इट वॉज टू मच इन दिस इंसिडेंट।
और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये चीज है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर टू डिस्कस दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कंपनी कि इतने बड़े ट्रेजेडी के बाद अब दोबारा से कंटिन्यू करना एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अगेन इफ यू लुक एट द पेंट एनवायरनमेंट देयर आर टू मेन कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ExxonMobil एंड Berhad Paints तो बोथ आर टॉप लाइन इज इक्वल माशाल्लाह कभी वॉल्यूम में हम ज्यादा हैं कभी वो दे रहे हैं तो लेकिन दोनों चूंकि फॉरेन कंपनीज हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक तो जी फेम ऑफ अ क्लेम जो है ना हमारा वही है कि माशाल्लाह इस कंपनी के अंदर ह्यूमन वैल्यूज हैं इस कंपनी के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी सॉ सच अ गुड टाइम दैट वी वर थिंकिंग टू फर्दर डाइवर्सिफाई अवर कंपनी एट द मोमेंट बिफोर द एक्विजिशन ऑफ फार्मा हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन अगर आप बात करें तो देयर वर ऑलमोस्ट 9 बिजनेस लाइंस उसमें अगर बाकी पेंट कंपनीज में सिर्फ पेंट है जो डेकोरेटिव पेंट कहलाता है हमारे पास ऑटोमोटिव है फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन केमिकल के पेंट्स हैं फिर पाउडर कोटिंग की बिजनेस लाइन है फिर इंक हमने स्विट्जरलैंड की सिक्पा कंपनी से परचेज की थी वो है हमारे पास व्हीकल रीफिनिश का बिजनेस ड्यूपॉन्ट अमेरिकन कंपनी से परचेज किया तो माशाल्लाह पहले ही काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन थी देन वी थॉट टू फर्दर डाइवर्सिफाई एंड देन वी यू नो थॉट दिस फार्मा सेक्टर इज समथिंग वेयर वी कैन डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी मेडिसिन टू द कम्युनिटी तो हमने एक कंपनी अक्वायर की है उसके अंदर टेबलेट कैप्सूल के सेक्शन है उसके साथ ही फिर हमने सीरप और ड्राई सस्पेंशन एंड साशे का ऐड किया उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर वर्किंग सप्लाईज आर अक्रॉस पाकिस्तान punchline or our fame to claim is that we are providing a quality medicine. So my voice goes to the doctor and says ki ji aap ye pehle istemal kare samples lete hain jo naturally a way hai to promote your products aap test kare to alhamdulillah from everywhere we heard that the medicine quality medicine is very very good to fir wo alhamdulillah start karate hain patients ke upar bhi to ye थोड़ा सा बजट से मुताबिक था फ्रॉम माई सेल्फ बेसिकली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई क्वालिफाइड इन 1993 आई वर्क फॉर लोफानेस फैसलाबाद एज एन अमेरिकन कंपनी आई वर्क फॉर लीवाइस वी लॉन्च्ड लीवाइस वाज ऑलरेडी देयर डॉकर्स इन लीवाइस सिग्नेचर एंड देन डेनिज्म जो आजकल डेनिज्म है वो हमने लॉन्च किया था ब्रांड उसको कर And we also work for, I was looking after Pakistan and Bangladesh, finance side. So then after that, then I moved to this company and joined this company. Why I joined this company is because the company I worked for were Farnese and Nishat and Levi's. Again, this company was also working on ethical grounds. There's no unethical practice. We have to, if you look at our auditors and internal auditors, they are the big four companies. The worldwide big four firms and auditing firms. One of the firms is our auditor and the other firm is our internal auditor. And we are complying with all laws and everything. So I found this company is a very ethical company. Looking at caring for the employees. For their career growth, policies are very much towards employees. So it's a lovely place to work. MashaAllah, भाई साहब ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं ये तो वाकई बहुत amazing story है लेकिन इससे पहले यानी कि ये ख्वाब जब आप देखा करते थे बचपन में कि जिसकी तबीयत अब हो गई चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी खुशी है हमें कि एक पाकिस्तान के लीडिंग सेटअप आप चला रहे हैं माशाल्लाह तो कुछ बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट ये है हम जानना चाहते हैं कि जो लोग जिनकी ये सक्सेस स्टोरी जो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं वो बचपन में क्या सोचते थे किस तरह से क्या उनकी अप्रोच थी क्या थाट्स थे किस तरह से वो यहाँ तक उस थोड़ा सा माजी में जाए इससे पहले ठीक बिल्कुल शाह साहब मैं आप अगर ये सवाल ना भी करते तभी मैं आपको जरूर बताता कि हाउ आई रीच टू दिस प्लेस एंड व्हाई पीपल शुड रीच टू ए बिगर लेवल
First of all, things starts with the dream. Dream is very, very important. People should have the, you know, particularly for the youth, my message is that you need to have a vision for yourself. If you are working for a corporate sector or a company or a firm, you need to have a vision for the firm, for the business as well. Where you want to take your business, what level sort of business you want to do. When I was a student, I did my BCom, and after the BCom, I started this CA firm. वो CA में ऐसे आना हो गया कि अपना BCom के बाद एक ascension training part है. I went for a CA firm for a 3 months training, and then I got part of this. You know, I like this auditing firm, their style, their professional environment, and I thought I wanted to be a CA. But the biggest problem was that in Pakistan, the result was never been an intelligent double degree. The final qualified person at that time, I save my papers, newspaper where my result was published, always below 10, mm-hmm. 4, 5, 7, 8. So the problem was that Pakistan was passed. Then I met a chartered accountant and he said that they are also human beings and they are working in the same environment. And why do you believe that you would be the, you know, unlucky for that sense? You try your luck and you will be successful. It's only required your hard work, your determination. So Shai sir, throughout the, you know, my life, I always, you know, if you know the law of attraction, I am firm believer of the law of attraction. Mm-hmm. Law of attraction says that if you want to achieve a certain objective, you need to be firm about that objective, one objective, which you want to achieve in your life. And then you need to focus that objective, continuously focus. So if you focus that objective, the whole universe will work for you to take you to that level, yeah, that destination. And I have gone through that, I experienced that. Kind of car I want to drive, I have that car. I mean, Civic, uske baad main kar sab change karna chahiye. Main chahta hoon badi vehicle. Phir woh karke unhone kaha chali ye 2700 lene chahte hain, chale ye kar rahe 4500 chale. But you need to, you know, express your where you want to, what you want to have, and you then focus for that thing. So throughout my life, this is the experience that whatever I decided to achieve, I got that. There is a time period always. Yeah. You trust on your God, that God is looking after you. ये तो हम being a Muslim जानते हैं जी कि माँ से 70 माँ से ज़्यादा अल्लाह प्यार है। नॉर्मल। जब अल्लाह ताला को अपने human being से इतना प्यार है, तो He is caring for you and you are asking for something, but only He knows that it is suitable for you or not. So at a proper time He will give you. अच्छा इसके ऊपर आप जरा गूगल मैं लोगों से कहता हूँ जो इन टच हैं कि इसको आप गूगल करके देखें सीक्रेट को देखें मूवी को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख के देखें कि इतनी स्टोरीज हैं पूरी दुनिया के अंदर या सारे झूठ बोल रहे हैं आपको अपना बिलीव अपना इनर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप ये वन डे यू विल अचीव इट आई रिमेम्बर एक ओरिफ्लेम एक कंपनी है ना कॉस्मेटिक ठीक है I went to see somebody there, Oriflame का कोई सेमिनार हो रहा था तो उसने he invited me and said कि यार आज बैठ जाए बैठ गया वहाँ पे तो the speaker he was running around and he asked a first question he said okay let me know people who see dreams so there are a couple of signs hands that they saw dreams तो उसने हर एक का dream पूछना शुरू कर दिया तो suddenly he came towards me and said what's your dream At that time, I was in, you know, in a middle management kind of position and I said, my dream is that I should have an acre size of land and I want to build a farmhouse for me. Gentlemen, do you have your own home? No, I have yet to build that. So before my own home, I was looking for a farmhouse. And I made my house, Shai sahab. और फिर मुझे मेरे एक दिन कोलीग ने कहा कि यार एक जमीन दिख रही है वेदिया रोड पे मैं भी ले रहा हूँ आप भी ले मैं क्या मेरे पास पैसे नहीं है कहते पैसे आपके पास हैं क्या ऑनेस्टली आई डोंट हैव मनी उसने कहा मैं आपका प्रोविडेंट फंड बैलेंस और वो फ्लान बैलेंस चेक करके आया हूँ वो लगा दे वो तो है एंड देन व्हाट एवर आई हैड इन माय यू नो बैलेंस ऑल मनी एवरीथिंग आई पुट इनटू दैट प्रोजेक्ट और उन्होंने परचेज कर लिया लैंड
उसके बाद मैं उसके पीछे ही लगा रहा कि यार ये तुमने ले लिया है वहां, मैं ना कोई बंदा जा सकता है ना कोई डेड इन्वेस्टमेंट हो गई है वहां, बढ़ भी नहीं रही है, बड़ी गलत जगह ले लिया, ये कर दिया है। एंड टूडे इट्स ए प्राइम लोकेशन प्लेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ फेज 7 और फेज 9 उधर है। तो अल्लाह ताला आपको वो अपॉर्चुनिटी बना रहा होता है स्लोली स्लोली, यू नो स्ट्रक्चर बिल्ड किया वहां पे कुछ थोड़ा बहुत, और नियत साफ हो तो अल्लाह ताला वो आपको उसका। सो ये तो मैंने एक छोटी सी पर्सनल की है, लेकिन इन द बिजनेस एज वेल इफ यू हैव अ विजन एंड पैशन टू टेक योर बिजनेस टू सर्टेन लेवल, उससे आप देखेंगे जो कारोबार चला रहा है इंसान वो बहुत से खानदानों का रिज्क कमा के उनको दे रहा है। आप अगर पाकिस्तान के जितने बिजनेस हैं उनकी बैलेंस शीट उठा के देखें, not every company is earning a 10% or 20% net profit. Not they are not. Bank is giving you 10% if you put your money into the bank, you can earn a 10%. But there are plenty of many companies where they are earning less than a 10%. But they are the source of bread for the so many employees. So ye aapko Allah Taala ke nazdeek ek aapka rutba hota hai, aap lead kar rahe hain, aap responsible person hai for many families. बिल्कुल। तो आपको जब आपने विजन देखना है या आपने कोई आपने इरादा करना है अपने बिजनेस से मुतल्लिक, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर द लॉट ऑफ फैमिलीज हु आर एसोसिएटेड विद यू और डिपेंडेंट ऑन यू। रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है उनकी, रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, दुआएं भी होती है उन लोगों के साथ आती है। बट इंसान के अब मैंने क्या करना है, बस इतना काफी है। बट जब आप बिजनेस कर रहे थे तो आप ये सोचें कि आप किसी लेवल पे लेके जाते हैं कितने सारे हो, फिर एंड देन पाकिस्तान, आई मीन यू आर वर्किंग फॉर विद इन अ कंट्री विच इज दी यू नो इस्लामिक कंट्री एंड वन एंड वन द ओनली इन द नेम ऑफ इस्लाम, बाकी तो ज्योग्राफी के भी सामने आए जी पाकिस्तान ओनली फॉर इस्लाम। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव चीजें हैं, आंखें बंद करके सोचेंगे इर्द गिर्द खड़े लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो मैंने जब रियल उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश की तो आई वाज अफ्रेड, मैंने कहा यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैंने जिंदगी में क्या किया है, मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के साथ किसी का हक अदा नहीं किया, तो मेरे बारे में वही सोच रहे होंगे। तो इंसान वो जिंदगी गुजार के जाए जो दूसरों के लिए भी कोई मशवरे राह बने और कुछ आपके लिए भी आगे जाने का भी कोई सामान हो और यहाँ के वाले भी आपको कोई अच्छे नाम से याद करें मेरा ख्याल। जी अब्दुल वाहिद साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटरव्यू चल रहा है आपसे, आप थोड़ा सा आज बताइएगा कि आज बर्जर पेंट इंडस्ट्री नो डाउट पाकिस्तान की लीडिंग इस वक्त पेंट कंपनी है, आज हम कहाँ पर खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं आप, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके साथ, और एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ थोड़ी सी डिटेल बताइए। I think this is important part which I feel that the communication should go to the level where I want to communicate. बहुत से responsible लोग इस interview को या इस communication को देख रहे होंगे। The problem is कि पाकिस्तान में conducive environment provide करना for the entrepreneur, for the business community is the duty of the government. Yeah. The problem what the paint industry is facing is that a lot of taxation rate is very very high, one of the highest rate of taxation is on paint industry. Sales tax ka main aapko first of all main aapko bata raha hu 17% which is in the regional study, if you conduct a study region mein sabse highest hai 17% sales tax, 2% additional for the paint sector, 19.3% because you are selling to the non registered, no penalty hai 21%, 1% another for income tax collection as a withholding tax, वो बीच में आ जाती है। तो ये हमारा कुछ 23% का taxation है। अच्छा, नुकसान क्या है इस highest taxation का? इसकी वजह से जो mushroom growth companies है, local industry है, उसको आप unorganized sector कह रहे हैं, वो जितनी evasion करते हैं उतने उनके financial muscles strong हो जाते हैं। So they are selling but they are not showing their invoices or tax pay nahi kar rahe proper, uski wajah se organized sector is at a disadvantageous position, usko level play field nahi mil rahi. So we have talked to FBR, taxation and all forums, raised our voice and through your channel I also want to, because it's a great TV, so yeah. It's relevant that we should raise our voice ke aap taxation ek to minimum karein, और दूसरा ये कि जो नॉन टैक्स पेयर है उनको नेट के अंदर लाए, आपके एवरी ईयर एट एफ बी आर लेवल यू इंक्रीज योर कलेक्शन टारगेट्स,
वेल ठीक है, समझ में आती है आपके कोई आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन तो उसके लिए जरूरी है कि आप नए लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए, इंस्टेड आप पुरानों के साथ स्क्वीज करें और उन्हीं से आप टैक्सेशन हाई कर दी जाए। बड़ी अनफेयर ट्रीटमेंट है, एक तरफ आप ये हायर टैक्सेशन है और दूसरी तरफ आप उन्हीं टैक्स पेयर से अनड्यू टैक्सेस लगा के आप टैक्स ले लेते हैं, वो फिर हम अपीलों में और वहाँ अप्रैल प्रोसीजर के अंदर इंसान सारे एसएससीज घूमते रहते हैं, उसमें वेस्ट ऑफ टाइम भी है, टाइम है, मनी है, हमारे जितने लॉयर्स को पैसे दे रहे हैं, जितने हमने अपील के लिए एडिशनल जमा कराना है वो वहाँ स्टार्ट हो जाता है। 300 मिलियन तो सिर्फ रिफंड ही हैं जो कि जायज रिफंड है, जो एफबीआर एडमिट के आपका बनता है ड्यू, वो नहीं मिल रहा पिछले 5 सालों से, और बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा रिफंड भी हैं। तो आई थिंक एक ये एरिया है वेयर आई सी थ्रू योर चैनल फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो दे शुड कम टू बी हेल्पफुल टू द बिजनेस कम्युनिटी। मेनी टाइम्स यू नो मिनिस्टर एंड मिनिस्टर एंड अथॉरिटीज प्रॉमिस्ड कि ये उसको लुक आफ्टर करते हैं, मेरे फंड स्टार्ट भी करने लगे, कुछ करने लगे, नथिंग इट प्रैक्टिकली हैपेंड समथिंग। सेकेंडली ये है कि जी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो आप इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि आपके लेबर की लेवी है, लेबर के अंदर ही बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, फिर कोई क्वालिटी कंट्रोल के नाम से आ रहा है, कोई किसी नाम से आ रहा है, बेशुमार डिपार्टमेंट बन जाते हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके कोई एक लेवी होनी चाहिए, या आप उसको टैक्सेशन की एक कर दें, लेबर की एक करते हैं, या कोई कंसोलिडेट करेंगे ये टोटल टैक्सेशन है किस तरह की। इफ़ यू लुक एट द टैक्सेशन टोटल आप करके देखें बहुत बड़ी लेवी बन जाएगी कम्युनिटी के ऊपर। तो आई थिंक इसको भी रैशनल करने की ज़रूरत है कि हम उसके तरीके से क्या कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशंस भी हैं, डिफरेंट फोरम्स हैं, वी आर पार्ट ऑफ ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ से भी वॉइस रेस करते हैं, लेकिन सो फार मैं समझता हूँ एक पर्टिकुलरली चीज़ है जो कि विच आई वुड हाईलाइट थ्रू फॉर फार्मा सेक्टर कि फार्मा में नो डाउट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, आपको नए स्टैंडर्ड्स लगाने की ज़रूरत है, सब कुछ है कि जो क्वालिटी इम्प्रूव करें, इस पूरी इस प्रोडक्ट को ख़त्म करें, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि डिपार्टमेंट शुड बी एफिशिएंट इनफ टू रिस्पॉन्ड टू दोज न्यू रिक्वायरमेंट्स। हमारी 2010 की जो अप्लाई मेडिसिन है वो अप्रूव नहीं, वी आर इन 2018 में जो भेजी हुई थी वो भी अभी तक अप्रूव नहीं हुई। तो इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कि एक मेडिसिन आप समझते हैं कि आपको आज आपने अप्लाई करनी है उसका फॉर्मुलेशन और आज रेलिवेंट है, नेक्स्ट ईयर इट इज इररेलेवेंट, वो शायद कोई थर्ड जनरेशन से वो फोर्थ जनरेशन में चली जाती है। तो या तो वो फौरी आप रिस्पॉन्ड करें या उस पर डिसीजन लें कि जी नहीं करनी है, करनी है। आई थिंक वहाँ भी कुछ मैल प्रैक्टिस ऐसी हैं विच हैज टू बी डिटेल में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, लेकिन हर डिपार्टमेंट में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, शायद इसमें तो ज़्यादा ही हैं। तो मैंने देखा है आपका उसका नुकसान देखें, एक तरफ वी हैव अ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंड्यूसिंग ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम इन पाकिस्तान इन्वेस्ट, और दूसरी तरफ हमारे जो मल्टी नेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो छोड़ के बाहर जा रही हैं। इसको फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सब लोकल प्लेयर्स को बेच के बाहर चले गए, आप दिल्ली ले लें, जॉनसन जॉनसन ले लें, ग्लैक्सो ले लें, या कुछ और बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल। तो आपको पहले तो उनको रोकना है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, उनके प्राइस इंक्रीजेस के इश्यूज हैं या उनके बिल्कुल ऐसे हैं। वन अदर थिंग व्हिच आई नीड टू अप्रिशिएट गवर्नमेंट दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड दिस लोड शेडिंग प्रॉब्लम दैट वी हैव कंट्रोल्ड, प्रीवियस क्राइसिस गवर्नमेंट हैज डन गुड जॉब इन टू एरियाज, लेकिन अब इसको इकोनॉमिकली लोगों को थोड़ा सा इसको काम देने की जरूरत है। और फ्यूचर प्लान्स क्या है बतौर यानी कि पेंट इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल के हवाले से दोनों से? बर्जर का जी मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में पहला लेड फ्री पेंट जो था बर्जर ने इंट्रोड्यूस कराया था, और क्वालिटी अवार्ड्स और टॉप कंपनीज अवार्ड्स वो तो हम लेते रहते हैं। CSR के अंदर रिसेंटली हमें, पहले तो हम करते थे वैसे हाईलाइट भी करते थे, बट नाउ आई मीन फोरम है, आई वी थॉट के थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाए दैट वी हैव टू डू समथिंग, एंड व्हेन वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड सो थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर भी है फॉर द पीपल हु आर वर्किंग। तो वो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह CSR फ्रंट के ऊपर भी हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज कंपनी।
देखें जैसे एक ह्यूमन इंसान के लिए कहा, इस तरह इस कंपनी भी जो है, कंपनी इज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, इज ए कॉर्पोरेट सिटीजन, तो इज ए CSR इज ए सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. So we are, you know, something giving back to the community, which is school, education sector में दिया हुआ, एक health sector दिया हुआ. ठीक है. कुछ हम education में करते हैं, कुछ health sector के अंदर, कुछ medicine, hospitals, free dispensaries का काम वगैरह, कुछ कराची में किया है, कुछ लाहौर में start किया है. फिर ये करते हैं कि हमारी एक CSR की पूरी team है, देखते school के लिए, अभी एक जो school pick किया था, उसकी boundary walls नहीं है, कमरे नहीं थे, furniture नहीं था, toilets थे, ये सारा upgrade किया उसके अंदर. और एवरी ईयर दे पिक अ स्कूल एंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वी फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी इज साइमल्टेनियसली वर्किंग फॉर द कम्युनिटी एज वेल. और जो उसका पेंशन है पूरी पेंशन पूरी प्लेस में सर. फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर में सर ये है कि वी हैव लाइसेंस फॉर अफगानिस्तान एंड अब अफगानिस्तान में कुछ लग रहा है कि कोई फ्यूचर में स्टेबिलिटी आने जा रही है. तो इससे लिटिल प्री मेच्योर बट वी आर वर्किंग दैट वी लॉन्च आवर ब्रांड. ऑलरेडी वी आर एक्सपोर्टिंग टू अफगानिस्तान बट देर आर सम फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान. आई थिंक इट वुड बी प्री मेच्योर टू डिस्क्लोज एनीथिंग बट अफगानिस्तान में काम करने का है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाने का प्लान है. बहुत मजा आ रहा है जी आपसे बात करके और मैं चाहूँगा ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इतनी चीजें और हैं जिसको हम इस एक इंटरव्यू में कवर नहीं कर सकते. आई वुड लाइक टू थैंक यू Asian Trade TV for becoming a wonderful source for conveying our views, be success stories and problems and highlighting everything. And thank you very much, Shahid Sahab, for coming to Budget. Nazreen, ये थे आपने देखा अब्दुल वाहिद साहब जिनकी success story हमने जानने की कोशिश की, जो यहाँ तक कैसे पहुँचे उन्होंने खुद बताया सब कुछ और आज पाकिस्तान का बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी के ऑन कर रहे हैं उसको. हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट प्रोग्राम में ख्वाबों से तबीर तक के लिए शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.